हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर के लंच की तैयारी करने जा रही हूँ तो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और बनाने जा रही हूँ पचरंगा दाल। पचरंगा दाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चार पांच तरीके की दाल होती है, लेकिन मैं मिक्स दाल बोलना चाहूँगी इसे क्योंकि मैं पाँच तरीके से भी ज़्यादा डाल देती हूँ। इसमें शॉप से ही बनवा के लाती हूँ, आपके साथ पहले भी मैंने शेयर कर रखा है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। आप इसमें ना कोई भी दालें जो झटपट बनने वाली होती है वो डालें, डाल के आप बना सकते हो। और ये दाल ना मतलब आपको कभी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है दाल फ्राई, तो ये सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई ना तो ज़रूर बना के एक बार ट्राई करना, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी बनती है, एक सीटी में तैयार हो जाती है ये दाल। तो दाल उबालने जा रही हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैं अभी तेज पत्ता डाल रही हूँ, बाकी सिंपल सा प्याज टमाटर का तड़का लगेगा। तो जब तक दाल उबलेगी उस टाइम तक मैं अपने प्याज टमाटर को कट कर लूँगी क्योंकि उसको भी टाइम लगता है। तो प्याज टमाटर जब तक कट होंगे ना उतनी देर में ही ये आसानी से हो जाएगी। और लहसुन अदरक कुछ नहीं डाल रही हूँ, मतलब अदरक डालूँगी लहसुन नहीं डालूँगी। और इधर देखिए एक सीटी में ही दाल हो गई थी, गैस मैंने बंद कर दिया था, और इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो पूरी ये कड़ी की तरह बन जाएगी। इसलिए इसे बस आपने देख लिया उबल गई है, कोई दाल कच्ची नहीं है, साइड छोड़ देना है। फिर बस तड़का लगाना है, तड़का आप किसी में भी लगा सकते हो जो चीज़ आपको पसंद हो। कई लोग देसी घी में ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है तो सरसों के तेल में ही लगा रही हूँ मैं। जीरा डाला है थोड़ा सा, उसके बाद प्याज डाल दिए। प्याज ना मैंने रफली थोड़े मोटे मोटे कट किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। दाल में कभी भी तड़का लगाना हो, अगर कोई नया है खाना बनाना सीख रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, दाल में कभी भी ज़्यादा बारीक का प्याज मत डालना, क्योंकि ज़्यादा बारीक हम ग्रेवी वाली चीज़ों में डालते हैं, और ये तो दाल तो खुद ही ग्रेवी है एक तरीके से, तो इसमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। और ये जब थोड़े से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर इसके अंदर टमाटर डालना है। अपने सिंपल से मसाले हैं जो हल्दी, लाल मिर्ची, गरम मसाला, वो सब डाल सकते हो। मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, खासकर ये जो बारिश वाला मानसून का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली लगती है गर्मी उसमें। और यहाँ पे ना ये अदरक है, इसको मैं कद्दूकस का जो बड़े वाला साइड है वहाँ से लच्छेदार इसे कर लूँगी, आप हाथ से भी काट के डाल सकते हो। अदरक का टेस्ट हम सभी को पता है, दाल के अंदर लोग सजाने के लिए स्पेशली डालते ही हैं क्योंकि देखने में बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो इसमें तड़के में डाल देती हूँ, जब खाते हैं ना तो सबकी प्लेटों में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तड़का तैयार है मेरा, और कई दिनों से सोची कि दाल का ना मसाला आता है, एक मैंने देखा था खरीद के लाने के लिए, जब भी राशन लेने जाती हूँ लिखना भूल जाती हूँ और फिर रह जाता है क्योंकि मैं कभी लेती नहीं हूँ ना, तो इस बार भी बिना दाल मसाले से ही बना रही हूँ सिंपल सी। बस इसके अंदर डालूँगी और हल्का सा मिक्स करूँगी, फिर पानी डाल दूँगी जितनी भी ग्रेवी रखनी है। मुझे रोटी के साथ खानी है आज, तो ज़्यादा पतली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चावल के साथ खानी है तब भी ज़्यादा पतली करने की ज़रूरत नहीं है, तड़का फ्राई थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। आप जब इसे सर्व करें ना तब देसी घी या मक्खन डाल लें, इस वाले मौसम में नहीं हम लोग खाते हैं, सर्दियों में ही थोड़ा घी या मक्खन वगैरह डालते हैं। तो दाल तैयार है, बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन धूप देखिए कितनी कड़कती हुई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कड़कती धूप हो रही है। तो सबसे पहले इन कपड़ों को उठा लेते हैं क्योंकि किसी टाइम तो इनको बेचारों को बिल्कुल धूप नहीं मिलती है, लेकिन अब इतनी कड़कती धूप मिल रही है ना कि ये बेचारे भी कहेंगे रख लो अंदर, बाहर टंगे मत रहने दो, हमारी जो पानी है ना सूख चुका है हमारे बॉडी का, अब एक्स्ट्रा पानी जा रहा है हमारे शरीर से। और ये टॉवल डाल दूंगी, कपड़े डाले थे सुबह से तो फिर टॉवल डालने की जगह नहीं थी, यूज़ हुए, बच्चे भी नहाए हैं, हस्बैंड भी नहा के गए हैं, अब इनको डाल दूंगी, इनकी बारी है, ये अपनी बॉडी का पानी सुखाएं थोड़ी देर के लिए। कपड़े जब अच्छे से धूप में सूख जाते तो सभी को पता है वो एक तरीके से हाइजीनिक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा नहा के, और रोटी बनानी है, रोटी बना के नहाने इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि आटा बहुत सख्ता, दाल रोटी अचार और सलाद बस। खीरा जो बाट लेगी, थोड़े से बर्तन है जो कि अब लंच करने के बाद ही धुलेंगे, और टमाटर मेरे काफ़ी सारे गल गए हैं, इतने टमाटर बचे हैं और डस्टबिन में चले गए हैं उधर, छोटे बड़े डस्टबिन में, कम से कम आधा किलो टमाटर खराब हुए हैं। डीप फ्रिज कर दो ना तो वो जो ठंडक होती है ना टमाटर की, वो अंदर ही अंदर ममस जाते हैं, इसीलिए मुझे सिंगल डोर की फ्रिज नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी के मारे लेती हूँ क्योंकि मेरे कमरे में जगह नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं सिंगल डोर की नहीं लूँगी। मैं आप लोगों को भी कहूँगी थोड़े से पैसे लगा के छोटे साइज़ की, बेशक डबल डोर की लो, लेकिन डबल डोर की फ्रिज सही है इस मामले में। एक तो उसे डीप फ्रिज नहीं करना पड़ता, डीप फ्रिज करो कितना भी पीछे पानी जाएगा ना तो वो गिर के अंदर आता ही आता है। जब डीप फ्रिज करो बस कपड़ा लेके बैठ जाओ कि पानी फ्रिज के अंदर जितना गिरा उठाते रहो। और टमाटर, खीरे या कोई भी हमने ऐसी सब्जियां रखी है
जैसे थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती है, जैसे टमाटरों में पानी काफ़ी होता है, तो वो पहले तो ठंडे हो जाते हैं, बढ़िया से हो जाते हैं, जब डीप फ्रिज करो तो उसके अंदर की गर्माइश सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर मैं बाहर निकालूँ डीप फ्रिज करते हुए तो अभी भी वही हाल होगा, बाहर की गर्मी से ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने देखा 4-5 टमाटर उसके अंदर कल मैं निकालने गई तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तो तब कम थे, रात को डीप फ्रिज करी है ना वो निकाल दिए थे मैंने, फिर कम थे तो मैंने क्या करा, रात को डीप फ्रिज करके सो जाओ आराम से, 12 बजे के लगभग कर देती हूँ, सुबह 6 बजे हस्बैंड उठते हैं तो अपने आप वो ओके हो जाती है, फिर साफ सुफ कर लो। तो आधा किलो टमाटर गए, वो भी इतनी महंगाई में वेस्ट आना बहुत दुख लगता है। थोड़े सस्ते हो ना, वैसे तो अन बर्बाद जाना ही बेकार बात है, लेकिन फिर भी थोड़े सस्ते होते हैं तो ये होता है ना कि चलो गलती से हुए हैं, जानबूझ के तो किए नहीं हैं, और अब वाले तो गलती से हुए भी बहुत दुख लगता है। अब इसको सारे ये सही हैं और चल जाएंगे, अभी इसको पोंछ के फिर फ्रिज में रखूँगी। इसको पूरा डिब्बा धोया है, मतलब काम बढ़ना, इसको कहते हैं कि बिन वजह का काम बढ़ना। चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी, फिर मिलती हूँ आपसे। पहले बांधो अपने बालों में क्लचर, फिर बनाने आती हूँ रोटी, क्योंकि ये सारा सूट गीला करेगा। और ये सूट मैंने काफ़ी दिन बाद पहना है, पता नहीं क्यों, बट अभी जब तीज थी, हरियाली तीज, तब पहना था इसे, तो थोड़ी देर के लिए पहना जैसे कि गर्मी लग रही थी सुबह। मतलब मैं वैसे तो कोई मेरे को तीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ सारे कहते हैं गौरी माता की पूजा होती है इस दिन, शिव जी जी गौरी जी की, तो बस श्रृंगार का सामान जैसे करवा चौथ का है सेब, उसी तरीके से बोलते हैं। तो मैंने ये हरी चूड़ियाँ ली थी जो कि चढ़ा दी थी भगवान को, पार्वती जी को, उसमें से कुछ चूड़ियाँ खुद पहन ली थी, थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी। मेहंदी अगर आपको दिखाऊँ तो ये नीचे सुनता रही कि बेटी ने लगाई थी पूजा ने, और ये मैंने लगाई थी, दोनों ही निकल गई क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी है। और क्लचर लेके आई थी नया एक, वो भी चढ़ा दिया था, मतलब कुछ भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है तो सब कुछ पड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ चूड़ियाँ ही मेन चढ़ाई है। और पहले बालों में लगाऊँ क्लचर, फिर मिलती हूँ रोटी बना के आपसे। आटे को फ्रिज से आधा घंटा हो गया निकाले हुए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। मुझे बहुत सॉफ्ट आटा पसंद है रोटी बनाते समय, इसलिए मैं चक्कू से काट रही हूँ, क्योंकि वो मुझे टाइट आटा बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो काटने में मज़ा नहीं आता है लोइयाँ, तो चक्कू से काट के फिर बना रही हूँ। और बेलन भी आप देख रहे हो, मैं थोड़ा जोर लगा के मार रही हूँ, वैसे सॉफ्ट आटा रहता है ना तो फिर बेलन घुमाते घुमाते रोटियाँ बन जाती हैं। पड़ा हुआ था इसलिए मैंने फिर आटा दोबारा गूंदना सही नहीं समझा है, क्योंकि जैसे नोनी अंचू कई बार आटा गूंदती है तो थोड़ा पानी वानी ज़्यादा गिर जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुलकों का आटा, मतलब 2-3 रोटियों का बचाती हूँ, आटा ज़्यादा नहीं बचाती हूँ, क्योंकि बचा रहेगा तो हमें बनानी पड़ेगी, नहीं बचेगा तो अपने आप ही आटा गूंदेगा और बनेगी, और इसी चक्कर में मुझे मेहनत लग रही है इस रोटी को बनाने के लिए। और ज़्यादा देर में आटा छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनके मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है, क्या पता रोटी बनाते बनाते ही वो आ जाए, और क्या पता जब तक मैं रोटी डब्बे के अंदर कैसरोल में रखूँगी तब तक आ जाए। मुश्किल से 10 मिनट का टाइम रह गया उनके घर में एंट्री करने का मैक्सिमम, तो इसलिए फिर रोटी बना के रख दूँ तो ठीक है, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे भी बहुत तगड़ी वाली भूख लगती है। और सुबह नाश्ते में चिड़वा मटर खाया था, मतलब कि पोहा खाया था, तो वो तो कब का कहाँ चला गया, खुद से ज़्यादा तो घर के काम कर लिए। और नहाने के बाद ना वैसे भी अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा ना तो अभी थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, और इसीलिए मैं थोड़ी फटाफट रोटी बना के सोची सबसे पहले अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना दाल के साथ चावल नहीं बनाए थे, दाल रोटी बनाया था, तो चिकू को भी दाल दाल दूंगी और अपना खाना भी निकाल रही हूँ। और जैसे मैं खाना खाने लगी थी तो थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर उनको बोला है जब तक तुम हाथ मुँह धो तब तक मेरा खाना ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको देती हूँ। और सिंपल से ही था, दाल थी, रोटी थी, अचार था, रेडीमेड अचार था, पापा के घर से आया था, वो खा रही हूँ, और इसके साथ है अंजू ने सलाद काटा था वो। भूख लगी हो ना तो चटनी के साथ भी रोटी बहुत टेस्टी लगती है, तो दाल रोटी और सलाद था। और यहाँ पे अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 बजे का हो रहा है, मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जा रही हूँ, और इसके बीच में दोपहर को वही मेरा स्टिचिंग का रूटीन है, तो स्टिचिंग कर रही थी मैं, और अभी बस नहाने जा रही थी तो ये आए हैं, कह रहे थे मंदिर चलना है, तो मैंने कहा अभी मैं नहाने जा रही थी,
अच्छी बात है अभी चली जाती हूँ, फिर आके ही नहाऊँगी एक बार में ही, क्योंकि नहाने के बाद फिर मैं पजामा टी शर्ट पहन लेती, फिर जाना नहीं हो पाता, क्योंकि ये घर से थोड़ा सा दूर मंदिर है और मैंने मंदिर में माथा वाथा टेक लिया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, बाहर निकल के आई हूँ, हस्बैंड स्कूटी को लेके आ रहे हैं, तब का ये ब्लॉग बना रही हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए, इसके पास ही लगती है मंडी, उधर चली गई थी, इधर से हम लोग लेते नहीं हैं, और लेकिन अभी रास्ते में से जा रहे हैं, सब्जी कुछ है नहीं इसीलिए दाल बनाई थी, तो सोचा लेते चलते हैं। आप कैसे जा रही हैं? क्या लो बताओ, बैंगन सोच रही, बैंगन ले लेती हूँ, थोड़ी सी दाल पड़ी है, लंबे वाला मिल जाएगा तो लंबे वाला ले लूंगी। सब्जी तो ली ही है, साथ में अंजू का ऑर्डर था कि मेरे लिए चाउमीन ले आना, तो चाउमीन भी लेके आए हैं और काफ़ी टेस्टी बनी थी। लेके जिस दुकान से आते हैं ना उससे पहले भी लेके आते रहे हैं, लेकिन इतनी टेस्टी नहीं बनाई थी उसने पहले कभी, इस बार नया बंदा था, बहुत टेस्टी बनाई थी। मेरा देखो कितना सारा पसीना है ना मम्मी। हाँ, और ये किसने मंगवाई है? मैंने ही मंगवाई है, क्योंकि मैं इतने टाइम तक हमने खाई नहीं थी, तो मेरा बहुत दिल। कितना टाइम हुआ है? एक महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, दिल कर रहा था। और क्या आया है? तेरी चाउमीन, हमारे कुरकुरे मोमोस। नहीं, भी है, मतलब फेवरेट तो हमारे ही है ना। मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि लोग फूडी वाले बोलते हैं। सॉरी बट मैंने कुरकुरे कभी नहीं खाया। मैं हैंड वॉश करती बस और बूटी धोती बस। अच्छे से मतलब पका दी है उसको, बोला था अच्छे से पका दिए, एकदम अच्छे से पका दिए, मीठी ना हो बस, मीठी वाली। देखो इतना ज्यादा टूट गया, अब दर्द हो रहा है, खून में नहीं कर रहा था। नहीं, मैं कह रही मीठी कुरकुरे मोमोस पहले खाने, या कुरकुरे मोमोस लाने थे, पहले चाउमीन खा लेंगे। मोमोस को हमने लिफाफे में छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, चाउमीन को खाने में 10 मिनट तो लगेंगे। और फिर चाउमीन खाने के बाद हमने मोमोस खाया था, लेकिन चाउमीन जितनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, मोमोस उतने ही बकवास थे, इतने महंगे थे ना ये, 10 रुपये का एक पीस है ये, और हम लुट गए हैं, मतलब बढ़िया वाला लुट गई हूँ मैं तो। भाई सही बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मिक्स वेज थे, पनीर प्याज और स्वीट कॉर्न वगैरह, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। नेक्स्ट टाइम से मैं तो नहीं मंगाने लगी, इसे खुद बनाऊँगी घर में। सेम फली लेके आई थी तो तड़का लगा दिया है, क्योंकि फ़ोन बच्चे स्कूल का कर रहे थे, कुछ काम प्रोजेक्ट वगैरह थे, तो वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ सब्जी और रोटी। सेम फली काफ़ी टाइम बाद बन रही है, मतलब अभी जो ये सीज़न आया ना इसमें, तो ये पहली बार बन रही है और काफ़ी यम्मी लग रही थी, कलरफुल ही बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो टेस्टी थी। और अंजू जैसे चाउमीन इसने खाई है, मोमोज तो इसे पसंद आया नहीं, आधा मुश्किल से खाया है इसने, और चली गई है नीचे खेलने के लिए, और मैं इसे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सुन नहीं रही आवाज़, और अब मैं इसे कस के बुलाने लगी हूँ ऊपर। अंजू ऊपर आ जा, 10 बज गए। इसलिए वो देखो उधर गिन्नी, पप्पू मेरे व्लॉग में आके, तू भी आ जा, तू भी बोल बाय बाय। टंग दिखा, टंग बना रहे हो क्या? वीडियो बना रहे हो क्या? टंग दिखा दो, हां दिखा, दिखाओ गिन्नी, तू भी बोल, आंटी का चैनल सब्सक्राइब करे, हां बोला इसे, हां लाइक भी करे। इसके आगे करो ना दीदी, बोल रही है। अच्छा टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, सलाम साहब उधर दिखाओ, पकड़ेगी, जीभ दिखा दो, जीभ ये कर दो, खुद नहीं कर रही है, पकड़ रही है, सलाम साहब। गिन्नी गिन्नी इधर देख, इधर देख, बोलो हेलो, ऐसे बोलो हेलो। उस दिन पप्पू पता क्या कर रही थी, वो सोची थी कि मेरी अपनी वीडियो बन रही है, तो कह रही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे,
सारे कह रहे तेरा चैनल कौन सा है, आंटी का चैनल बोलना। अच्छा आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। अच्छा ए गिनी गिनी देखो, फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो आज पूरा। सोच कितने दिन से आई हुई है, ब्लॉग में कब आ रही है चाहते हुए। चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 के जाए, ब्लॉग का एंड हो गया, जाए कर दो। अच्छा राधे राधे ही कर दो सबको, राधे राधे। नहीं बाय होएगा। अच्छा।